hello everyone how are you hoping you all are fine so today we will start the next poem of your textbook roots and wing and the poem is the field mouse written by cecil francis alexander she is a she was a poetess let's start the first stanza where the acorn tumbles down वे आर द एश्री शेड इट्स बैरी विद योर फोर्स सो सॉफ्ट एंड ब्राउन विथ योर आय सो राउंड एंड मैरी स्कीर्सली मूविंग द लॉन्ग ग्रैस फील्ड माउस आई कैन सी यू पास तो ये जो पोएम है ये एक छोटे से फील्ड माउस के बारे में फील्ड माउस जो से ऐसा माउस जो कि फील्ड्स में रहता है खेतों में रहता है जिसकी लाइफ हमेशा डेंजर में रहती है क्योंकि अक्सर या तो वो फार्मर्स के द्वारा मार दिया जाता है तब जब वो वहाँ पर उनके ग्रेन्स जो हैं उनकी ग्रेनरी से जहाँ पर उन्होंने अपने ग्रेन्स को स्टोर किया होता है वहाँ पर वो चोरी करने के लिए आता है तब ठीक है और यहाँ पर ये यह पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं कि जो फील्ड माउस है उसको वो एडवाइस देते हैं कि आप कैसे सेफ़ रह सकते हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड जो हमने अभी रीड किया इसमें जो है पॉइंट कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ कि वेयर द अकोन टम्बल्स डाउन अकोन इज़ अ अ ट्री अकाउन एक जो है ट्री है और उसका ओ, ओक ट्री सॉरी कॉर्न जो इज अ नेम ऑफ अ फ्रूट ऑफ ओक ट्री टम्बल्स मैंने रोलिंग डाउन जब नीचे उसका फल गिरता है एकॉर्न नीचे गिरता है वेयर द एश ट्री शेड इट्स बैरी और जहाँ पर जो एश ट्री के जो बैरी गिरते हैं जो फ्रूट गिरते हैं तो वो पॉइंट कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ कहाँ पर कि तुम्हारे जो फर है बहुत सॉफ्ट है और ब्राउन कलर का है विद योर आय सो राउंड एंड मेरी कि तुम्हारी जो आँखें हैं वो गोल गोल हैं और खुशी से वो भरी हैं ठीक है ठीके? तो कहते कि फील्ड माउस को कि मैं तुम्हें पेड़ों के नीचे देखता हूँ तुम एकॉर्न खाते हो एकॉर्न एकॉर्न मतलब फ्रूट ऑफ अ ओक ट्री ठीक है आप वो खाते हो स्केयर्सली मूविंग द लॉन्ग ग्रास और आप धीरे धीरे ठीक है स्केर्सली मतलब रेयरली धीरे धीरे आप बड़ी सी घास के बीच में से होके पास होते हो फील्ड माउस आई कैन सी यू पास तो तब वहां से गुजरते हुए मैं तुम्हें देख सकती हूँ ठीक है तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात बोली है सेकेंड लिटल थिंग इन वट डार्क डैन लाई यू ऑल द विंटर स्लीपिंग द टिल वॉम वेदर कम्स अगेन देन वंस मोर आई सी यू पीपिंग राउंड अबाउट the टॉल ट्री roots निबलिंग एट their फॉलन fruits तो इस स्टेंजा में जो पॉइंट है वो फील्ड माउस को कहते हैं के फील्ड uh, माउस तुम uh, बहुत लंबे समय तक पूरी विंटर में तुम हाइबरनेट रहे हो हाइबरनेट क्या होता है बेटा बिना कुछ खाए पुए सो सो कर बिताना दैट मीन्स अंदर ही अंदर जितना उसके पास स्टोर होता है वो खाना और फिर अंदर ही रहना बाहर ठंड में नहीं निकलना एंड नाउ अवेक अब आप जो है जाग गए हो बहुत बड़ी विंटर स्लीपिंग के बाद जैसे ही वार्म वेदर आया तो तुम जाग गए हो देन वंस मोर आई सी यू पीपिंग पीपिंग मीन्स होता है झांकना तो मैं एक बार फिर तुमको बाहर झांकते हुए झांकते कहाँ अपने होल से बाहर झांकते हुए मैं तुम्हें देख सकता हूँ कहाँ से राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी रूट्स उनकी जड़ों के बीच में जो तुम्हारे होल हैं वहां से तुम्हें झांकते हुए मैं देख सकता हूँ निबलिंग एट देयर फॉल एंड निबलिंग मीन क्या होता है स्मॉल एंड क्विक बाइट्स इज़ द मीनिंग ऑफ निबलिंग द मीनिंग ऑफ लिब्निंग ईटिंग विद स्मॉल एंड क्विक बाइट्स दैट मीन धीरे धीरे और छोटे छोटे बाइट्स लेके खाना तो मैं अब तुम्हें देख सकता हूं जब अब तुम लंबी सी नींद लेके जैसे ही वार्म वेदर आया और तुम अपने होल में से झांकना शुरू हो गए और वहां पर नीचे गिरे हुए फ्रूट्स को तुम छोटी छोटी बाइट्स लेके खा रहे हो फील्ड माउस फील्ड माउस डू नॉट गो वेर द फार्मर्स हिज ट्रेजर फाइंड द नट दैट फॉल्स बिलो ईट द एट योर प्लेजर बट यू मस्ट नोट स्टील अ ग्रेन ही हैजैक विथ सो मच पेन तो यहाँ पर जो पॉइट हैं वो फील्ड माउस को ये एडवाइज कर रही हैं उसको ये वॉर्न कर रही हैं कि फील्ड माउस तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए कहाँ जहाँ पर फार्मर ने स्टैक स्टैक मीन्स गैदर इकट्ठा किया अपना ट्रेजर ट्रेजर मीन्स जैसे अपनी क्रॉप्स अपनी हारवेस्ट जो उसकी फसल हुई है अपने दाने जहाँ पर उसने इकट्ठे किए हुए हैं, तुम वहां पर मत जाओ फाइंड द नट दट फॉल्स बिलो जो नीचे गिरे हुए नट्स हैं तुम वो देखो उसको ढूंढो और ईट द एकोन एट योर प्लेजर और तुम्हें एकोन खाने से खुशी मिलती है तुम वो खाओ बट यू मस्ट नॉट स्टील द ग्रेन लेकिन जहाँ पर फार्मर ने इतनी मेहनत की है मेहनत करने के बाद उसकी जो फसल हुई है उसने उसको स्टोर करके रखा है वहाँ पर तुम चोरी करने उन दानों को चोरी करने मत जाओ ही हैजैग विद सो मच पेन क्योंकि उसने वो इकट्ठा किया है बहुत ही पेन के साथ ओके पेन मीन्स बहुत हार्ड लेबर की है उसने इन द लास्ट स्टेंजा होल वेयर द टॉल ओक शेडो प्रिटी क्वाइट हार्मलेस थिंग प्ले अबाउट द सनी मैडो कीप अवे फ्रॉम कॉर्न एंड हाउस नन विल हार्म यू लिटल माउस इस स्टेंजा में जो पॉलिटिक्स है वो कहती है कि तुम अपना जो होल है ना तुम अपने होल को आ, ओक ट्री की शेडो में बना लो ठीक है और वहाँ पर बहुत ही ओक ट्री की शेडो में मतलब जहाँ पर ओक ट्री उसके नीचे छाया में तुम अपना होल बना लो प्रिटी क्वाइट हार्मलेस थिंग वहाँ पर ही प्रिटी क्वाइट हार्मलेस थिंग फील्ड में उसको ही बोला है कि तुम बहुत सुंदर हो शांत रहने वाले और बिना किसी को नुकसान पहुँचाने वाले हो प्ले अबाउट द सनी मैडोज मैडोज होते हैं चरागा जहाँ पे लॉन्ग ग्रास होती है ठीक है धूप में जो हरी हरी घास है वहाँ पर तुम खेलो कीप अवे फ्रॉम कॉर्न एंड द हाउस आप जो कॉर्न फार्मर ने इकट्ठे की है ठीक है उसके फार्मर के घर पर मत जाओ उससे दूर रहो नन विल हार्म यू लिटिल माउस तब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो यहाँ पर वो उसको एडवाइस कर रही हैं पोइट्स कि तुम फार्मर के घर चोरी करने मत जाओ उनके ग्रेन्स को तो इस तरीके से जो माउस है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा फार्मर के घर से कि एक तरफ जो उसने ग्रेन इकट्ठे किए हुए हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और कोई भी तुम्हें चोरी करने पर मारेगा नहीं तो तुम अपना खाना ओक से ले सकते हो ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस So, we will meet you in the next video. Till then, goodbye.